Hey guys, welcome back to another video of Economics on a Tips. ब्रह्मास्त्र, जी हाँ, एक ऐसा अस्त्र जिसको तोड़ नहीं पाया कोई भी शस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसको तोड़ नहीं पाया कोई भी शस्त्र, ब्रह्मास्त्र नाम की सीरीज हम लोगों ने चालू करी है। ये सीरीज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस सीरीज के अंदर आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों के तीनों सब्जेक्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम आप सभी के साथ अवेलेबल बैठे रहेंगे। ब्रह्मास्त्र नाम की सीरीज के अंदर आपके इस ऑनलाइन ऑफलाइन के लफड़े को ही मैं खत्म कर दूंगा। हम ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट को मतलब दिल से, अंदर से जो आता ना, न सर बस मजे आए नहीं सर, हम कोशिश तो कर रहे, पूरी जी जान लगा रहे, पर नीचे आने वाली वॉइस वाली वीडियो, नीचे आने वाली एक वीडियो, वो है ना, हमारा दिल जो है ना वो टुक 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 टुक, ठीक है। वरना और क्या है सर, और क्या दिक्कत आती है, हम वीडियो देखना शुरू करते हैं, पेन कॉपी लेके बैठते हैं और बैठते ही टिंग टिंग टिंग, टिंग लाइक योर फोटो। अब बोले सर 2 मिनट आप रुक सकते हो, हम उस लाइक का बदला डबल लाइक से देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो पॉसिबिलिटी हम समझ सकते हैं। पर भाई लोगों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमाना पूरा ऑनलाइन पे आ चुका है, तो आपको आज नहीं तो कल इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना आपके इस ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए और हमारी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर सारे हर्डल्स को खत्म करें। ब्रह्मास्त्र सीरीज एपिसोड नंबर 1, जी हाँ, एपिसोड चलेंगे, बिल्कुल पूरे एपिसोड चलेंगे। आप लोगों को पूरे एपिसोड शुरू से एंड तक देखने हैं। एपिसोड नंबर 1 इकोनॉमिक्स, टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। बोलो यहां तक आ गई बात। सर इंट्रोडक्शन कहाँ है सर, वो वाला बेटा इंट्रोडक्शन जो है वो इसी के अंदर है। कुछ किताबों के अंदर इंट्रोडक्शन को एक सेपरेट के हिसाब से दिया गया है, पर बेसिकली हम इसी के अंदर आपके इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट को भी कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, व्हाई आर यू इन हरी, बिकॉज आई एम हियर। कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, कोई 1% की राइमिंग नहीं होती, पर क्या करें, हम हैं आत्मनिर्भर। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, शुरू करते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब बड़ा आसान है, पैसे का घूमना। आप सभी जानते हैं पैसा घूमता है, ठीक है, बच्चे तो होने तुम पहली क्लास, सब जानते हैं कि पैसा घूमता है, यानी पैसा कभी खत्म नहीं होता, इस आदमी से उस आदमी, उस आदमी से। देखो कितनी मुश्किल है ना इस चीज को समझना कि हम जी जान लगा कर, पूरी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जब हम पैसा उसको कमा लेते हैं तो इस ऐसे व्यक्ति को वो पैसा ले जाके दे देते हैं जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। 50 लाख रुपए कमा के एक 50 लाख की गाड़ी खरीद ली और उस आदमी को पैसे दे दे जो पहले से करोड़पति है। समझ रहे हो तुम कैसी दुनिया चल रही है, हम सब है ना यूं घूमे जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरी दुनिया नहीं जानती, आर्ट्स वाले नहीं जानते इस चीज को, ठीक है, साइंस वाले भी नहीं जानते क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। हम कौन है, हम कॉमर्स वाले, कौन है, हम कॉमर्स वाले, तू पहले बज ले, ठीक है, हाँ तू पहले बच, हाँ तो कॉमर्स वाले जो हैं उनको पता है भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमने पढ़ा हुआ है, हम टैलेंटेड आदमी है, जो लोग देखते हैं हम वो लोग पढ़ते हैं, वो देखते पैसा घूमता, हम पढ़ते सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली पैसे का घूमना कहते हैं। पैसा किस प्रकार से घूमता है हम उसको समझने के लिए एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, 3 तरीके के फ्लो के हिसाब से। देखो इको जब हमें पढ़नी पड़ती है, 3 तरीके के सेक्टर पढ़ने हैं सबसे बेसिकली, ठीक है, हम 3 तरीके के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, 3 तरीके के फेज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों को पहले डीप के अंदर समझना। हम शुरुआत करते हैं सामान बनाने से और अंत करते हैं उसी सामान को खरीद के जाने में, हम शुरुआत करते हैं सामान बनाने से और एंड में उसी सामान को खरीद लेते हैं, समझना मेरी बात को, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन फेज की, सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन फेज की। प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या होता है? सामान बना, एक ऐसा फेज जहां पर पैसे का जनरेशन होता है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान बनने लगा, फैक्ट्री में जैसे ही सामान बनके तैयार हुआ, अब जिन लोगों ने उस सामान को बनाने में मदद की है उनको क्या बोलते हैं? है? नहीं पता, कक्षा 9वीं क्या बोलते, कौन सा था वो, हाँ यार इको ही तो थी यार, कक्षा 9वीं सोशल स्टडी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, मैं अपनी इच्छा से बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है, तुम्हें कौन सा पता है, इनको क्या ही पता चलेगा। हाँ जी, तो इधर समझना, कक्षा 9वीं चैप्टर 3 फैक्टर्स ऑफ
इनकम, क्या कहते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं भाई लोगों, आप सभी को पता होने चाहिए, जिनको नहीं पता उनको हम यहां पर बता देते हैं। चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा हमारा बिजनेसमैन। ठीक है, दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं जो लोग प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, जो लोग प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन फैक्टर्स को हम देते हैं पैसा, क्योंकि इन्होंने क्या करी है, इन्होंने हमारी मदद करी है, तो इनको हम बदले में देते हैं पैसा। जो पैसा हम देते हैं उसको बोलते हैं लैंड विल बी पेड बाय रेंट। ये क्या है, ये है लैंड, जमीन। ठीक है, दूसरा लेबर विल बी पेड बाय वेजेस। दिमाग ना चलाएं, दिमाग चलाना सेहत के लिए अच्छी बात होती है, दिमाग चलाओ। ठीक है, अगला आता है कैपिटल, जिसने बंदे ने हमें कैपिटल दिया उसको हम देते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। और चौथा है एंटरप्रेन्योर, जिसको बदले में हम मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, देखो ये चार कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने प्रोडक्शन में मदद करी और इनको जो पेमेंट मिलती है उसको हम बोलते हैं किनकी पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। लिखते चलना, इको पढ़ रहे हो तुम, सारी चीजें लिखते चलो, किताब कॉपी लेके नहीं बैठे हो, समझ में आता है मुझे, नहीं बैठे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पर लेके बैठना पड़ेगा, क्यों, ऑफलाइन का तो जमाना ही नहीं, आज नहीं तो कल लेके बैठना पड़ेगा, मत लेके बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को कोई टेंशन को नहीं। टेंशन किसको है, किसको है, जो कैमरे के पीछे उस समय सोच रहा है सर क्या बोल रहे हो, पढ़ाओ ना थोड़ा सा, ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा टेंशन है। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या है, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनको जो पैसे मिलते हैं इनको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। समझना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर क्या किया, क्या किया, फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन किया। अब जब प्रोडक्शन इन्होंने किया तो इनको क्या मिला, इनकम मिली। क्या मिला, इनकम मिली। महिलाओं से उम्र नहीं पूछते और पुरुषों से तनख्वाह, क्यों, महिलाओं की उम्र का तो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, पर पुरुषों से तनख्वाह इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो बेचारा खुद के लिए नहीं कमाता, वो पूरे घर के लिए कमाता है। ठीक है, तो यहां पर जो उसको इनकम मिली वो क्या करेगा, सीधा साधा मानुष है, घर जाएगा, हाँ जी रोटी खाएगा, घरवाली पूछेगी कमा के लाए, बोले हाँ लाए, जरा दिखाओ, तो वो दिखाएगा। ठीक है, और वो दिखाएगा, बुरा नहीं मानेगा कोई भी यहाँ पर। तो बेसिकली जब इनकम आई तो इनकम से क्या होगा, खर्चा होगा, यानी कि इनकम से क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्चा होगा। आपने कभी सोचा है कि आपने जब मैगी खरीदी, भूख लगी मैगी खरीदी तो क्या हुआ, आपके पास तो मैगी आई पर आपने उसी मैगी बनाने वाली कंपनी को क्या दे दिए, पैसे दे दिए, यानी कि जो आपने खर्चा किया वो वापस से घूम फिर के यहां चला गया, उसी बंदे के पास चला गया जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। ठीक है, तो ये क्या है, तू पहले चल चल। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर क्या हो रहा है, पैसा जो है वो आपका घूम रहा है, पहले बना उसके बाद कमाई हुई इन चारों की। ये चार लोग हैं जिन्होंने कमाया और जैसे जैसे हमने उसको पैसे दिए, वो ये चार तरीके हैं कि हमने उसको कैसे पैसे दिए। इन्होंने घर ले जाए, घरवाली ने खर्च कर दिए, खर्च करके वो पैसा कहाँ आ गया, वापस कंपनी के पास आया। अब देखो जिसकी घरवाली ने बुरा नहीं मानेगा, सिंगल चक तो लौंडा क्या है, गर्लफ्रेंड मान लो, वरना खुद पे खर्च कर लिए क्या हो गया, क्या हो गया, खुद पे खर्च करेंगे हम, हाँ जी ठीक है, तो खुद पे खर्च करे तो भी तो खर्चा तो होगा ही ना यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नहीं है जल्दी, नहीं है अभी तक, तो पटा ले फटाफट कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले फेज की तरफ हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट फेज आता है हमारा, अब समझना, अब हम पहले भी ऐसे कराते थे कि भैया पहले आपको पहले रियल फ्लो बताएंगे फिर नॉमिनल फ्लो बताएंगे, मैंने इस बार कॉन्सेप्ट बदला, मैंने कहा पूरा शुरू से बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी, अलग अलग तरीके की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। समझो, कुछ लोग पहले ही इस बारे में कंफ्यूज है कि सर ये डिफरेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है। एक इकोनॉमी में चार तरीके के सेक्टर के बारे में बात की गई है, पहला है हम हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा है बैंक, बैंक जो होता है वो इसी के अंदर आ जाता है, गवर्नमेंट और तुम्हारा फॉरेन सेक्टर। चार तरीके के सेक्टर है, कौन, हम, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। आपको जो यहां पर पढ़ना है वो है हम और फर्म, ठीक है, साथ साथ में हम बैंक को जोड़ लेते हैं, हमें बेसिकली टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, तो जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें पैसा कैसे घूमता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि भैया दो तरीके के सेक्टर है, कौन कौन से, दो तरीके के सेक्टर है। आज आप सुबह उठे आपने देखा ना, कोई सरकार है ना कोई फॉरेन सेक्टर है, आप हो और फर्म है, एक खाने वाला है एक बनाने वाला है, दो तरीके के सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है खाने वाला जिसको हम बोल रहे हैं हाउस होल्ड, और एक है बनाने वाला जिसको हम बोल रहे हैं फर्म। देयर आर बेसिकली टू सेक्टर्स जो कि हमारे यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना, तो अगर इन दो सेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये दो सेक्टर किस तरीके से काम करेंगे। अब मान के चलो भैया कोई सरकार ही नहीं है,
आपको कमाना है और खाना है, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो आप कैसे कमाओगे? आप बोलोगे हम सुबह सुबह उठ के जाएंगे, जाके फर्म में जाके काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा वो? एफएस। क्या करेगा? एफएस। एफएस का मतलब होता है बेटा फैक्टर सर्विसेज। वो क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज करेगा। क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज करेगा। अब समझना, इसने फैक्टर सर्विसेज करी यानी कि मेहनत करी, बदले में फर्म उसको क्या देगी? बदले में फर्म उसको देगी पैसा, जिसको हम बोलेंगे कैसा? फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट। सबसे पहले इसने क्या करी? फैक्टर सर्विस करी, बदले में इसको क्या मिली? फैक्टर पेमेंट मिली। अब पैसा लेके घर गया, घर में मैडम आई, बोले सर खर्चा करना है, चलो भाई। भाई नहीं बोलेगी, भाई कैसे बोलेगी? ठीक है, तो ये यहां पर गई क्या करने? खर्चा करने। खर्चा यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला मुन्ना? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा। और खर्चे के बदले में फर्म ने इसको क्या दे डाला? फर्म ने इसको क्या दे डाला? फर्म ने इसको दे डाला गुड एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? तो ये तरीके से हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो चलता है। क्या यहां से शुरू हुआ फैक्टर सर्विसेज, यहां आया फैक्टर पेमेंट, उसके बाद हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नीचे से निकल गया आया गुड्स एंड सर्विसेज। ताली बजाओ जोरदार सारे के सारे। चल मुन्ना आगे बढ़ते हैं, अब समझो मेरी बात को। ये बेसिकली पूरा फ्लो है। तो हम इस फ्लो को क्या करते हैं? देखो इसमें दो तरीके के फ्लो है, एक जगह है जहां पैसा जा रहा है और एक जगह है जहां पे सामान जा रहा है। पैसा कहां कहां पे जा रहा है बेटा? एक ये रहा पैसा और एक ये रहा, कहां गया? ये रहा पैसा। तो हमने इस फ्लो को दो टुकड़ों के अंदर तोड़ा है। एक टुकड़े को हम बोल रहे हैं सबसे पहले फिजिकल फ्लो, या जिसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो का मतलब है कि फर्म और हाउस होल्ड के बीच में पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में विदाउट पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे काम चलता है? तो देखो ऐसे काम चलता है, सबसे पहले ये आया हाउस होल्ड और ये आया फर्म। बिना पैसे के कैसे काम चल रहा था बेटा? यहां से आई फैक्टर सर्विसेज। कौन आई? फैक्टर सर्विसेज। उसने करी मेहनत, उसने की है मेहनत, मैंने की है मेहनत। ठीक है, कौन सा गाना था ये? ठीक है, अब यहां से बताना भाई कमेंट सेक्शन में। ये हुआ फैक्टर सर्विसेज, और बदले में उसको क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में उसको क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे जरा एक बार, पीछे वाली जो गई अभी। हाँ देखो यहां पर, यहां पर क्या था? बिना पैसे के फैक्टर सर्विसेज, और यहां मिला गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यहां से यहां गया मेहनत, और बदले में मिला सामान। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं बेटा रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। एंड जस्ट बिकॉज इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होता है, इसलिए ये एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? एक्चुअल ग्रोथ। क्योंकि हो सकता है पैसा आने की वजह से दाम बढ़ गए हों, इसलिए ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हों। ठीक है, यहाँ तो पैसे की बात ही नहीं की है, तो दाम का तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ सिर्फ सामान आएगा। सामान ज्यादा गए हैं हाउस होल्ड के पास तो डेवलपमेंट हो रहा है, और नहीं गए हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने पहले क्या करा? पूरे फ्लो को दो टुकड़ों में तोड़ा, एक है रियल के अंदर और दूसरा हम पढ़ रहे हैं नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे का, तो सिर्फ पैसे का दोनों के बीच में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये हुई हमारे हाउस होल्ड और ये हुई हमारी फर्म। ये हुई हमारे हाउस होल्ड और ये हुई हमारी फर्म। हाउस होल्ड से फर्म के पास पैसा किस वजह से जाता है? इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी बोलो। हाँ मुंह चाले, जबान चलनी चाहिए। हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में। और यहां से पैसा कैसा गया? पैसा क्यों गया रे मुन्ना? पैसा गया किस फॉर्मेट में? क्यों गया मैं खुद भूल गया। या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर पेमेंट। हाँ, किस फॉर्मेट में? फैक्टर पेमेंट। मेहनत जो की थी, जो मैंने मेहनत की थी, उसके बदले में हमें पैसा मिला। तो हमने क्या करा? जो कंप्लीट फ्लो होता है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक था रियल एक था नॉमिनल। ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है। हमारा जो टीचर था ना, वो हमें सिखाता था। क्या सिखाता था? सुबह सुबह योगा। मेरे को आज भी नाम है टीचर का, था यूनुस खान नाम था उन सर का। तो उन्होंने हमें शुरू बचपन में है ना वो सिखाई थी, क्या कहते हैं उसको, प्राणायाम। तो उसमें बोलते थे सांस अंदर लेना, रोकना और छोड़ना। तो उसको बोलते थे सांस अंदर लेने को बोलते थे पूरक, पूरक। और फिर बोलते थे सांस रोकने को कुंभक, ठीक है, और जो छोड़ने को बोलते थे रेचक। अब उनकी तो क्या थी, आदत लंबी थी,
वो हमें बोलते थे पूरक, हमने पूरक में तो खींच लिया, वो लंबा पूरक लेते थे हमारे, खींच के जब तक रुक के सांस छूट गया तब तक वो पूरा आधे आदमी तो सीट से खड़े रहते थे। फिर वो जब कुंभक बोलते थे, कुंभक वो कम से कम 30 सेकंड लगाते थे कुंभक, और फिर वो रेचक में बोलते थे सांस छोड़नी 3 गुना टाइम में। अब वो तो बोले 3 गुना, अब आदमी जो बेचारा 1 मिनट से सांस दबा के बैठा है वो तो ऐसे छोड़ता था, तो सकल देखते भाई लंबा छोड़ना, बोले सर आप तो ठीक है, यहाँ सोचो यहाँ सांस का ससुर बन गया, ठीक है तो शांति। हाँ जी, तो नॉमिनल फ्लो समझ गए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे का फ्लो होता है, क्लियर। तो हमने क्या करा है, बेसिकली हमने उस पूरे के पूरे फ्लो को कन्वर्ट कर दिया था कुछ टुकड़ों के अंदर, ठीक है, दो सेक्टर। अब समझना एक तीसरे सेक्टर के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तीसरा सेक्टर था जहां पर बेसिकली, तीसरा सेक्टर नहीं है वो, इन दोनों के बीच का हिस्सा है, इन दोनों के बीच का हिस्सा। तो कैसे बीच का हिस्सा, मान लो हमने जो फ्लो पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, दो फ्लो पढ़े हमने, ये हुआ तुम्हारा, तू पहले आ जा, हाँ ये हुआ तुम्हारा, छोड़ो इसको मिटाते हैं यार, एक मिनट भाई, हटियो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ पर हाउस होल्ड थी और यहाँ पर थी हमारी फर्म, कौन थी, यहाँ पर थी हाउस होल्ड और यहाँ पर थी फर्म, और हमने बेसिकली इनका फ्लो देख लिया था कि यहाँ से इसके पास ये क्या गया, फैक्टर सर्विसेज करने गया, बदले में इसको मिली फैक्टर पेमेंट, यहाँ से ये गया क्या करने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, घरवाली ने खर्चा करा दिया और इसके बदले में इसको मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये जो इकोनॉमी बनी है ना, इंडियंस ने नहीं बनाई, भारतीयों ने नहीं बनाई थी, भारतीय में सबसे पुरानी बन गई थी हमारे चाणक्य जी ने, पर इंडियन जो थे ना उन लोगों को ये लोग जाने नहीं हैं, बोले तुम तो सर्कुलर फ्लो चला लो बेटा, तुम हमें 30,000 रुपये तनख्वाह दो, हम 25 ही खर्च करेंगे, अब बोलो अगली बार पैसा कैसे घुमाओगे। तो जब उनको दिखने लग गया कि भारत वाले लोग ज़्यादा शाणे हैं, तो उन्होंने क्या करा, शाण पत्ती को खत्म करने का प्रयास किया, और उन्होंने बोला ये पैसा तो हम तुमको अगर 30 दे रहे तो तुमसे लेंगे भी 30, अगर तुमसे तुमको दे रहे 30 तो तुमसे लेंगे भी 30। कैसे, बीच में एक सेक्टर बना दिया जिसका नाम था FM, कौन था, FMI, नहीं, FM मतलब फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता था, आपकी जेब में पैसा बचा है, लाओ 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 लाओ, किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, आप क्या करा रहे हो, जमा करा देते हो, ठीक है। फर्म क्या करता है, फर्म ताक लगाए बैठा, फर्म क्या करेगा, इस पैसे को खटाक से ले लेगा, इन द फॉर्म ऑफ, तू पहले रुक, इन द फॉर्म ऑफ बोरइंग, किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ बोरइंग, रुक जा भाई चल ले, नहीं करना बोरइंग में, नहीं करूंगा बोरइंग, बस इन द फॉर्म ऑफ बोरइंग, ठीक है। बोरइंग के फॉर्मेट में क्या कर लेता है, फॉर्म उससे पैसा ले लेता है, पैसा वापस घूमने लग गया, बोलो 30 घूमा था यहाँ, हाउस होल्ड ने बोला 25, वो बोला 5 बैंक में जमा करा, हाउस होल्ड भी खुश हो गया, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट ने आगे दे दिया फॉर्म को, और इसने क्या कर लिया बोरइंग, ध्यान रखना फॉर्म भी डिपॉजिट करा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हाउस होल्ड भी लोन ले सकता है, नहीं मुन्ना नहीं ले सकता, इन केस ऑफ टू सेक्टर इकॉनमी हम हाउस होल्ड पे लोन लेने का काम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हाउस होल्ड ने लोन लिया तो वो फर्म बन जाता है, हाउस लोन वगैरह की बात करेंगे नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था चल रही है, हम सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, अगर आया है तो भाई लोगों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कल आप लोगों से हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जो कि है हमारा episode number 2, पहला एपिसोड हो गया समाप्त। अगर यहां तक देखा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कल फिर वापस मिलेंगे, आपको इस देना मत भूलना, आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, कुछ देना नीचे कमेंट में लिंक है, देखिए किसने कितना पढ़ा, आपसे कल फिर मिलेंगे, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड एंड बाय, नमस्कार।